हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों स्वागत है आपका डेली न्यूज सीमांचल शो के इस कार्यक्रम में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को केडीबी लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। किशनगंज में डकैती की योजना बनाते हुए एक बदमाश गिरफ्तार। किशनगंज जिला के पहाड़कट्टा थाना के पुलिस की सूझबूझ से डकैती की वारदात होने से बच गई। देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छत्तरगाज बाजार में जाल बिछाकर बदमाशों को घेर लिया, जिसमें एक डकैत को वहीं धर दबोचा और बाकी अन्य डकैत भागने में कामयाब हो गए। किशनगंज में स्कूली छात्रों की रुचि अब धीरे धीरे खेल की तरफ बढ़ रही है। किशनगंज शहर के स्कूली छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय रोचक खेल शतरंज सीखने तथा उसमें कैरियर बनाने में लगे हैं, जिसमें किशनगंज के स्कूली छात्रों ने हमेशा से ही शतरंज सीखने के लिए तैयार रहते हैं। छात्रों को शतरंज खेल सिखाने के लिए जिला शतरंज संघ भी पूरी तरह से मदद करते हैं। सीमांचल में रुबेला खसरा नामक बीमारी से बचने के लिए 8 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। इसको लेकर अररिया जिला के फॉरबिसगंज के एक स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। बिहार में किशनगंज सहित 11 रेलवे स्टेशनों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। जी हां, रेल मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के बाद अब किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बारसोई सहित NF रेलवे के 11 रेलवे स्टेशनों के दिन पहुंचने वाले हैं। इन 11 रेलवे स्टेशनों को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। पुणे जिला प्रशासन की लेट लतीफे की वजह से पुणे वासियों को हवाई उड़ान भरने का सपना अधूरा रह सकता है। दरअसल पुणे में भारत सरकार द्वारा मौसम पर नजर रखने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई और बिहार सरकार को कहा कि आप जमीन दीजिए, मगर जिला प्रशासन ने अब तक मौसम विभाग को जमीन मुहैया नहीं कराया है। इससे मौसम विज्ञान केंद्र की विस्तार पर ब्रेक लगाया है। इससे मौसम विभाग की टीम ने बताया कि जमीन मुहैया नहीं कराने की वजह से इस केंद्र की स्थापना कहीं और किया जाएगा। किशनगंज जिला के अब हर गांव की गली नाली होंगे पक्की। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना पक्की गली नाली योजना को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी सत्यनारायण मंडल के अध्यक्षता में बैठक किया। DRDA कार्यालय के रचना भवन में पंचायत समिति, पंचायत रोजगार सेवक और ग्रामीण आवास सेवक के साथ बैठक किया गया, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 7 प्रखंड के 1-1 पंचायत को पक्की गली नाली योजना को पूर्ण करने की तैयारी है, जिसको लेकर बैठक किया जा रहा है। जिस पंचायत में गली नाला का काम थोड़ा भी बाकी है उसे 26 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। अब इस न्यूज से रिलेटेड हम एक रिएक्शन देना चाहते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, कोचाधवन प्रखंड के क्षेत्र में, वहां पर एक सड़क भी नहीं बना, ग्रामीण सड़क भी नहीं बना है, तो वो पक्की गली नाली तो दूर की बात है, ये सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ रहता है और बस जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं होता है। बंगाल के सबसे बड़ा शहर कोलकाता में विपक्ष की महारैली में भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के खिलाफ सीधा वार किया है। विपक्षी पार्टी जब एकजुट हुए तो शत्रुघ्न सिन्हा, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी से लेकर के राफेल डील तक सरकार को घेरा है। राफेल मुद्दे को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आखिर सरकार राफेल डील की डिटेल्स क्यों छुपा रही है, और उन्होंने अपने भाषण में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का अगला भविष्य बताया है। छपरा जिला में छोटे बच्चों का लगातार लापता होना पुलिस का सिर दर्द बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर सजल कुमार का 8 वर्षीय भतीजा सार्थक लापता है। शहर में फिर एक 12 वर्षीय छात्र लापता हो गया। इस घटना के बाद जिला वासियों में दहशत का माहौल है। कर्पूरी जयंती की तैयारी को लेकर कबीर भवन किशनगंज में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते बिहार जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह किशनगंज संगठन प्रभारी सैयद महमूद अशरफ साहब। पूर्णिया जिले के पूर्णिया थाना अध्यक्ष मनीष कुमार शाह के नेतृत्व में शुक्रवार को मुफस्सिल थाना के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 24 वाहन चालकों से 7100 रुपया जुर्माना वसूला गया। चालकों को हेलमेट निश्चित रूप से पहनने की हिदायत दी गई। इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई।
पूर्णिया में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का विधायक ने किया शिलान्यास। पूर्णिया के विधायक लेसी सिंह के द्वारा प्रखंड क्षेत्र की नीरपुर पंचायत अंतर्गत कसमरा गांव में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 1 8 cc पुल का शिलान्यास किया गया। मौजूद ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए विधायक जी को धन्यवाद दिया। आमरण अनशन के समर्थन में किशनगंज में भी कैंडल मार्च निकाला गया। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज रेल यात्री समिति द्वारा ट्रेनों के ठहराव के लिए किए जा रहे आमरण अनशन के तीसरे दिन का आंदोलन ठाकुरगंज के जिला मुख्यालय किशनगंज पहुंच गया है। किशनगंज में भयंकर सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। घटना किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के जलेबिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे 327 पर हुआ है। हादसा होने के तुरंत बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर स्कॉर्पियो छोड़कर के भागने में कामयाब रहे। मृतक मथुरा प्रसाद पवाहली पंचायत में कार्य करता था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरियारपुर पुलिस आउटपोस्ट क्षेत्र के बगा गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें एक बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बगा गांव में कल रात एक घर में आग लगी तथा हवा के कारण आग के निकट के 2 अन्य घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में ललित पासवान के 7 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। दो टुकड़ों में बट गई ट्रेन, बोगी छोड़कर निकल गया इंजन। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर करीब आधा घंटे तक अफरा तफरी मची रही। रेल मालगाड़ी 2 टुकड़ों में बट गई। जानकारी मिलती ही रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर के लिए अफसरों के होश उड़ गए।